राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी के किनारे स्थित निर्माणाधीन मकान में शनिवार की दोपहर सिर कूच कर युवक की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस की सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे सीओ कोतवाली व राजघाट थाना प्रभारी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। सूचना देने वालों पर ही पुलिस को हत्या करने का संदेह है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को एक पॉलिथीन में शराब मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आपको बता दें कि गघा क्षेत्र के रहने वाले अमित सिंह राजघाट में पुराने पुल के समीप गायत्री मंदिर के पास मकान बनवा रहे हैं। शनिवार को एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर मकान में हत्या किए जाने की सूचना दी। पुलिस पहुंची तो मकान में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि निर्माणाधीन मकान में रोजाना शराब पीने और जुआ खेलने वाले युवक आते हैं, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। जिस व्यक्ति ने मकान में शव होने की सूचना दी वह खुद ही शराब के नशे में धुत था। हत्या किसने की और क्योंकि इसकी जांच चल रही है, जल्द ही गुत्थी सुलझा ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। ठीक है, सही है। ये कल शाम को 4 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने सूचना दी, सीसी नगर के पास एक निर्माणाधीन मकान है, वहां पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि एक ईंट से मारा गया है उसे। व्यक्ति की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष की थी। इस सूचना पे पुलिस वहां पहुंची, उसने व्यक्ति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी वगैरह खंगालने पर एक व्यक्ति हमें प्रतीत हुआ जो कि अंदर जहां पे लाश पड़ी थी वहां गया था, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।